हमारे देश में मधु उत्पादन करने वाली कई मधुमक्खियों की प्रजाति हैं, जैसे एपिस डोरसाटा, एपिस सेराना, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया। और इसके अलावा एक और मधुमक्खी है जिसे हम स्टिंगलेस भी यानी डंक रहित मधुमक्खी के नाम से जानते हैं। इन मधुमक्खियों का दुनिया भर में लगभग 30 से भी ज़्यादा प्रजाति पाया जाता है, जो विश्व का सबसे महंगा शहद बनाता है। हमारे देश में कई मधुपालक ट्राइगोना और मेलिपोना प्रजाति की डंक रहित मधुमक्खी पालन करते हैं। ये सालों एक ही जगह में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए इनमें माइग्रेशन की प्रवृत्ति कम देखा जाता है। इसकी प्रजातियां साल भर में लगभग 400 से 500 ग्राम के करीब मधु उत्पादन कर पाते हैं, जो कि टेस्ट में थोड़ा सा खट्टा मीठा रहता है। इसका मधु का औषधीय गुण बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसका मार्केट रेट भी दूसरे शहद के मामले में 20 गुना ज़्यादा रहता है। इसके अलावा इनकी पोलन और प्रीपोलिस भी अच्छा वैल्यू देता है। ये मधुमक्खियाँ अक्सर सूखे पेड़ के खोखलों में, घर के दीवारों में अपना छत्ता बनाते हैं। एक कॉलोनी में लगभग 500 से लेके 80,000 तक श्रमिक मधुमक्खी रहते हैं। कॉलोनी जितना पुराना होता है, इनका मधुमक्खी का संख्या भी उतना ज़्यादा ही मिलता है। कॉलोनी में एक रानी मधुमक्खी रहती हैं, जो हर रोज लगभग 1,000 से लेकर 2,000 तक अंडे दे सकती हैं। रानी मधुमक्खी का साइज श्रमिक मधुमक्खी से 3 गुना ज़्यादा होती हैं, जो लगभग 5 साल तक जिंदा रहती हैं। इन मधुमक्खियों को पालना बहुत ही आसान है। इसे हम हांडी में, छोटे साइज के लकड़ी के बॉक्स में, बांस के खोखलों में, पीवीसी पाइप में आसानी से पाल सकते हैं। हम यहाँ पर मधुमक्खियों को रखने के लिए लकड़ी और मिट्टी का पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉट को लकड़ी के ऊपर भी रख सकते हैं और कॉलोनी छोटा है तो नीचे भी रख सकते हैं। इस तरीके से तैयार करने के बाद नीचे तरफ छोटा सा होल रखना होगा, ताकि मधुमक्खियाँ आसानी से बाहर जा सके। अब हम पेड़ के खोखलों से कॉलोनी को निकाल कर पॉट में भरेंगे। ये मधुमक्खी ज़्यादातर शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन हंटिंग करते समय ये मधुमक्खी ज़्यादा इरिटेट करता है और नाक कान में घुस जाती है, इसीलिए बी कैप का इस्तेमाल करके हमें इनके कॉलोनी को निकालना चाहिए। सर में एक कॉलोनी है ट्राइगोना की, जो कि स्टिंगलेस भी है, तो हम उसको निकाल रहे हैं और कोशिश करेंगे उसको पाला जाए। हालांकि ये मधुमक्खी डांक नहीं मारती, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब होने पर हल्का बाइट करते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से धीरे धीरे पेड़ के खोखलों से इनके कॉलोनी को निकाल सकते हैं। तो ये है ट्राइगोना मधुमक्खी की शहद। कुछ इस तरीके का बॉल शेप में सील्ड पैक शहद जमा रहता है। तो ये है स्टिंगलेस बी का शहद। और ये है इनके पीले कलर के अंडे, जो कि बूंदी जितना छोटा छोटा होता है। ये स्टिंगलेस बी ट्राइगोना का अंडा का सेल, अभी हम उसको हार्वेस्ट कर लिए हैं और इसको थोड़ा सा बिछा के उसके ऊपर हंडी रख देंगे या फिर लकड़ी का बॉक्स में इसको पालने की कोशिश करेंगे। इनकी कॉलोनी में ब्रूड यानी अंडा बीज में रहता है और पीला पीला पराग और शहद साइड में रहता है। अब हम लकड़ी के ऊपर अंडों को बीच में रख के थोड़ा सा सील पैक शहद और थोड़ा सा पराग रख के ढक देंगे। एक रात यहाँ पे कॉलोनी के पास इन्हें छोड़ देने के बाद पूरे कॉलोनी अपने आप पॉट में आ जाएगा। तब हम इसे चिट्टी से बचाते हुए साफ जगह में टांग सकते हैं या फिर पानी कटोरी वाला स्टैंड दे सकते हैं। मधुमक्खियों का संख्या अच्छा होने पर पॉट के साथ लकड़ी को बहुत जल्दी प्रीपोलिस से ये सील कर लेते हैं, और हनी फ्लो सीजन में जैसे नवंबर से जून महीने में सबसे ज़्यादा शहद ये कलेक्ट करते हैं। ये ज़्यादातर औषधीय पौधे से अपना शहद कलेक्ट करते हैं, इसलिए इनके शहद में औषधीय गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक बार कॉलोनी में मधुमक्खियों का संख्या बढ़ने पर हम बहुत ही जल्दी बॉक्स का संख्या बढ़ा सकते हैं, इन्हें डिवाइड कर सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में मधु का उत्पादन करके एक अच्छा इनकम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। कोई लीजिएगा तो घट जाएगा वजन। ये कौन सा है? कलकत्ता का है।